तो आपके सामने फोर ऑप्शन गिवेन है और उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना है ओके सो ऑप्शन नंबर ए मागा मिंगो ऑप्शन नंबर बी टेरेंस टेरगन ऑप्शन नंबर सी टेड ह्यूग्स ये ऑप्शन नंबर डी नानी पालखी वाला तो so, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा कवर किया है हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस चैप्टर के या इस प्ले के राइटर कौन है सो ऑप्शन नंबर बी टेरेंस रैटेगन इस चैप्टर के राइटर हैं सो ऑप्शन नंबर बी टेरेंस राटेगन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वट काइंड ऑफ अ पर्सन मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज चैप्टर में या प्ले में जो एक कैरेक्टर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो किस तरीके के इंसान है कैसे पर्सन है तो फोर ऑप्शन गिवेन है एंड राइट ऑप्शन हमें टिक करना है ऑप्शन नंबर ए ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है यानी कि बहुत ही कड़क टीचर है तो यस वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है ही इज नॉट अ सैडिस्ट वो एक सैडिस्ट नहीं है अब सैडस्ट का मतलब क्या होता है सैडस्ट का मतलब वो होता है किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ देके जो खुशी मिलती है वो सैडस्ट होते हैं यानी कि किसी को तकलीफ़ देके जब उनको तकलीफ़ हो रही है और हमें खुशी मिल रही है तो हम सैडेस्ट तरीके के इंसान हैं लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक सैडस्ट तरीके के इंसान नहीं है तो ये बात सच है कि वो स्ट्रिक्ट तो जरूर है बच्चों से बहुत ही स्ट्रिक्ट चलते हैं बिल्कुल उनसे हंसी मजाक नहीं करते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एक सैडिस्ट है वो सैडिस्ट बिल्कुल नहीं है तो ये बात सही है ही इज नॉट बायस्ड वो बायस नहीं है पार्शालिटी नहीं करते कि इस बच्चे को पहले मार्क्स बता दूं इसको नहीं बताऊं इसको ज़्यादा मार्क्स दे दूं इसको कम दूं बिल्कुल नहीं जो जैसा है उनके सामने बिल्कुल इक्वल है हर मायनों में तो वो एक बायस्ड इंसान नहीं है तो ये बात बिल्कुल सही है ऑप्शन क्लास रूम ये मिली कौन है तो मिली है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ जब वो क्लासरूम में एंटर हुई तो उसके हाथ में क्या था तो जब वो क्लासरूम में एंटर हुई तब उस टाइम फ्रैंक एंड टैप्लो दोनों आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे थे और वो एकदम सडनली अंदर आ गई उन दोनों को पता भी नहीं चला और उनके हाथ में क्या था उनके हाथ में एक बास्केट थी जिसमें काफी कुछ सामान था तो ऑप्शन हैं ऑप्शन है ए बैग बैग नहीं था बी बास्केट यस उनके हाथ में बास्केट था सी पर्स नो नथिंग यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं था तो ऐसा तो कुछ नहीं क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है क्लियरली कि उनके हाथ में एक बास्केट थी सो ऑप्शन नंबर बी बास्केट इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टैपलो डूइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल स्कूल के लास्ट डे पर टैपलो क्या कर रहा था तो क्योंकि टैपलो ने कुछ दिनों पहले ही इलनेस की वजह से यानी बीमारी की वजह से तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी ले ली थी इसलिए स्कूल के लास्ट डे पर मिस्टर हारिस ने उसको बुलाया था एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए सो ऑप्शन है वो क्यों आया था लास्ट डे पर स्कूल ऑप्शन है सबमिटिंग असाइनमेंट्स अपने कुछ असाइनमेंट्स या अपना कुछ प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सबमिट करने आया था नो एक्स्ट्रा वर्क यस वो कुछ अपना एक्स्ट्रा वर्क करने आया था नथिंग यानी कुछ नहीं करने आया था स्कूल ऐसे ही आ गया था तो भाई ऐसे तो हम जब बहुत काम होता है स्कूल में ऐसे तो तब भी नहीं जाते तो आखिरी दिन पे कुछ नहीं करने क्यों चलेंगे आखिरी दिन पे तो और नहीं जाएंगे ना कि भैया छुट्टी है नॉट मेंशन इन द स्टोरी स्टोरी में मैंशनड ही नहीं है कि टेप्लो आखिरी दिन पर क्यों आया था तो बिल्कुल ऐसा मैंशन है कि वो एक्स्ट्रा वर्क करने आया था और मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने ही उसको बुलाया था सो ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रा वर्क इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज द नेम ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाइफ तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ का नाम क्या है तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ का नाम है मिली क्रॉकर हैरिस ओके यहाँ पे चार ऑप्शन मैली और पता नहीं क्या क्या स्पेलिंग लिखी हुई तो आपको करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी है तो पहला है मिली क्रॉकर हैरिस दूसरा है माइली क्रॉकर हैरिस तीसरा है मेली क्रॉकर हैरिस या डी नन ऑफ अबव तो मेरे ख्याल से जो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए मिली क्रॉकर हैरिस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन वाह सही बताया मैंने बिल्कुल करेक्ट बता दिया ओके okay, आगे बढ़ते हैं हाउ डिड फ्रैंक रिएक्ट अपॉन द अराइवल ऑफ मिसेस क्रॉकर हैरिस अब फ्रैंक कौन है फ्रैंक स्कूल के साइंस टीचर हैं फ्रैंक और टैपलो जो कि स्कूल का स्टूडेंट है सिक्सटीन इयर्स का है दोनों जब आपस में क्लासरूम में बात कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बेसिकली दोनों मिस्टर क्रॉकर हैरिस की हेल्दी गॉसिप टाइप की कर रहे थे तो जैसे ही मिसेस क्रॉकर हैरिस यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ क्लासरूम में एंटर कर जाती हैं जब वो दोनों बात कर रहे थे उन्हीं के हस्बैंड के बारे में तो फ्रैंक ने कैसा रिएक्ट किया क्योंकि वो एकदम से अंदर आ गई तो ही वॉज रिलीव्ड वो रिलीव था वो शांत था उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया कि हाँ ठीक है आ गई तो आ गई यस yes, वो रिलीव तो था उसको कोई डरवर नहीं लगा था ही वॉज हॉरिफाइड वो बहुत हॉरिफाइड हो गया बहुत डर गया कि अरे ये आ गई इसने हमारी बातें सुन ली कि हम इसी के हस्बैंड के बारे में पूरी गॉसिप कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं था डर तो टैप लो गया था लेकिन फ्रैंक जो कि साइंस टीचर है वो नहीं डरे थे ही वॉज अफ्रेड वो डर गया था नहीं नथिंग एज सच ऐसा कुछ भी एज सच नहीं हुआ था तो ऐसा भी कुछ नहीं था क्यों क्योंकि वो रिलीव्ड था वो शांत था उसने ऐसा शो अप नहीं किया कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा वो तो जैसा नॉर्मली रिलीव था वैसा ही रिलीव्ड रहा सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट बुक वॉज टैप्लो रीडिंग तो बुक में चैप्टर में बताया गया कि टैप्लो बुक रीड कर रहा है तो वो कौन सी बुक रीड कर रहा था जो कि क्लियरली मैंशनड है आपके चैप्टर में सो so, ऑप्शन है ए सोशल स्टडीज़ की बुक नो बी इंग्लिश नॉवल को इंग्लिश नॉवल पढ़ रहा था नो no. यस yes, मतलब वो नॉवल तो पढ़ रहा था लेकिन और ऑप्शन देखते हैं द एगमिन तो वो जो इंग्लिश नॉवल है उसका नॉवल का नाम क्लियरली आपकी चैप्टर में मैंशनड है कि बुक का नाम था द एगमिन तो यही वो बुक थी जो वो रीड कर रहा था तो इंग्लिश नॉवल तो वो रीड कर रहा था एगम नाम की लेकिन उसका नाम क्लियरली मैंशनड है तो हम उसी को टिक करेंगे तो ये वाला बी वाले ऑप्शन को हम छोड़ देंगे द विंग्स ऑफ द डव इस नाम की कोई नॉवल का मेंशन नहीं है चैप्टर में सिर्फ यही बुक का नाम मैंशनड है द एगमिमन तो एगमिमन नाम की ये जो नॉवल है इसी के बारे में पढ़ रहा था टैप्लो सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट एट वॉट टाइम वॉज मिस्टर हैरिस सपोज टू कम टू स्कूल जब एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए टैप्लो स्कूल में आया तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को उसको वेट करना था तो कितने बजे आने का बोला था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैपलो को तो बोला था कि मैं 6:30 थर्टी साढ़े छह बजे आऊंगा ओके okay? तो ऑप्शन देखते हैं सेवन थर्टी बोला था क्या नो no. नाइन नौ बजे आने का बोला था क्या मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने नो no. 5:30 थर्टी साढ़े बजे नो no. 6:30 थर्टी yes. यस साढ़े छह बजे आने का बोला था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैपलो को सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट व्हाट इज द एज ऑफ टैपलो जो बच्चा स्कूल का स्टूडेंट बताया गया है चैप्टर में जिसका नाम है टैप्लो उसकी क्या एज बताई गई है तो वो सिक्सटीन ईयर्स का बच्चा है सोलह साल का सो so, ऑप्शन है 10, 11, 12, 16. तो so, जैसे कि मैंने आपको बताया वो 16 इयर्स का है और यही हमने हमारे चैप्टर में क्लियरली पढ़ा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वाई वॉज फ्रेंक जेलिस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस फ्रैंक एक साइंस टीचर है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक मिडिल एजेड स्कूल के हेड मास्टर हैं लेकिन मिस्टर फ्रैंक जो है साइंस टीचर वो कहीं ना कहीं थोड़े से जेलस थोड़े से एनवियस फील करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस से तो ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चे मिस्टर क्रॉकर हैरिस से इतना डरते हैं उनका इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है बच्चों पर ऑल्सो बच्चे उनकी बुराई भी नहीं कर रहे हैं ऑल्सो बच्चे उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं डर रहे हैं पर फिर भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों से कही कहीं ना कहीं मिस्टर फ्रैंक जो है थोड़े से जेलस हो गए थे सो ऑप्शन हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज ऑन स्टूडेंट यानी जो इफेक्ट है मिस्टर क्रॉकर एरिस का स्टूडेंट्स के ऊपर ये देखकर मिस्टर फ्रेंक थोड़े से जेलेस हो गए तो यस वी कैन से दैट ऐसा हुआ था बिकॉज ऑफ हिस पोजिशन क्योंकि उनकी पोजिशन एक स्कूल मास्टर की थी और उनकी एक साइंस टीचर की थी इस वजह से थोड़े से जेलेस हो गए थे क्या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था बिकॉज ही इसलिए जेलस थे क्योंकि वो एक स्कूल के हेड मास्टर थे और उनको हैंडसम सैलरी यानी कि काफी लंबी चौड़ी काफी हाई सैलरी मिल रही है उनको इस वजह से जेलस थे का फ्रेंक तो ऐसा भी कुछ नहीं था ऐसा कुछ मेंशन नहीं है चैप्टर में ऑल ऑफ दी अबव ऑल ऑफ दब हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर एकेक्स्ट शॉर्ट नेम डज टैपलो कॉल मिस्टर क्रॉकर हेरिस इन इज एप्सेंस जब फ्रैंक और टैपलो दोनों एक छोटी सी गोसअप कर रहे होते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में तो टैपलो किस शॉर्ट फॉर्म से या किस शॉर्ट नेम से मिस्टर क्रॉकर हेरिस को बुलाता है उनकी एबसेंस में यानी जब वो सामने नहीं होते तो वो उनको क्रॉक क्रॉक करके बुलाता है ओके सो so, ऑप्शन है क्रूक क्रूक करके बुलाता है क्या नहीं क्रॉकी करके बुलाता है क्या टैप्लो No. करके बुलाता है क्या yes. या मिस्टर हैरी करके तो ऐसा भी कुछ नहीं तो वो किस नाम से बुलाता है वर्क टैप्लो so, right को स्कूल के लास्ट डे पे एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना पड़ा तो इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि वो कुछ दिन पहले छुट्टी पर था लीव पर था बिकॉज ऑफ अ इलनेस यानी उसकी बीमारी थी उसकी कोई खराब थी तो इसलिए लास्ट डे पे वो सारा एक्स्ट्रा काम आके उसको कंप्लीट करना था तो ऑप्शन है बिकॉज ही हैज़ मिस दिस प्रीवियस वीक एज ही वॉज आउट ऑफ टाउन क्योंकि पिछले हफ्ते उसने कुछ छुट्टियाँ करी थी वो आउट ऑफ टाउन था शहर के बाहर था इसीलिए नो no, ये रीज़न बिल्कुल नहीं था

None of the above. ये हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया इज़ ऑप्शन नंबर बी इलनेस की वजह से बीमारी की वजह से उसने छुट्टी ली थी नेक्स्ट इन क्लास स्टडी इन टैपलो कौन सी क्लास का बच्चा है तो टैपलो है लोअर फिफ्थ क्लास का अब आप पूछेंगे लोअर फिफ्थ क्लास क्या होती है तो लोअर फिफ्थ क्लास एक तरीके की क्लास का नाम है ब्रिटिश स्कूल्स में इंडियन स्कूल्स में नहीं ब्रिटिश स्कूल्स में तो वो लोअर फिफ्थ क्लास में पढ़ता था ऑप्शन में नो लोअर फिफ्थ में yes. में नो no. या लोअर टेंथ में नो no. तो बिल्कुल क्लियरली हमने पढ़ा है चैप्टर में वो लोअर फिफ्थ क्लास में पढ़ता था तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हु आर द फोर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन ये जो प्ले है द ब्राउनिंग वर्जन उसमें तो वो चारेक्टर्स चार 16 तो तो साल का बच्चा है, है मिस्टर हैरिस उसी स्कूल में मिडिलड मास्टर है और मिली क्रॉकर हैरिस मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है तो ये चार कैरेक्टर्स है और आगे ऑप्शन देखते हैं फ्रैंक मिसिज हैरिस जॉन सबसे पहले तो फोर कैरेक्टर्स बताने यहाँ पे सिर्फ तीन है तो ये ऑप्शन वैसे ही नहीं होता है और ये जॉन भाई साहब कौन है कहाँ से आ गए हमें पता नहीं तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है थर्ड है टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्टीव एंड जॉन अब यहाँ चार ऑप्शन तो हैं लेकिन यहाँ पे स्टीव एंड जॉन नाम के कोई कैरेक्टर्स चैप्टर में नहीं है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होता है फोर्थ है एलिस फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो सबसे पहली चीज यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं हमको चार बताने तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है और एलिस नाम की कोई चैप्टर में कैरेक्टर नहीं है सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वेर इज द स्टार्टिंग सीन ऑफ द प्ले सेट जब आप चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हो यानी कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो सबसे पहले का सीन कहाँ का बताया गया है तो ऑप्शन है स्कूल के क्लासरूम का सीन है बी स्कूल की कैंटीन का सीन बताया गया है कि वहाँ पे लोग बैठ के बात कर रहे हैं फिजिक्स लैब का बात बताया गया है या स्कूल की लाइब्रेरी की बात बताई गई है तो स्कूल तो जो स्टार्टिंग सीन है आपके प्ले का वो कहाँ का है तो क्लियरली मैंशनड है स्कूल के क्लासरूम का जहाँ पे फ्रैंक और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन ओके िस तो कहीं भी आते हुए दिखे प्ले में या कोई भी डायलॉग डिलीवरी करते हुए या उनके मुंह से कोई डायलॉग निक, निकलते हुए या पढ़ते हुए हमने सुना हमने कहीं नहीं सुना हमने सिर्फ फ्रैंक और टैप्लो के बीच में होने वाली मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बातें सुनी खुद मिस्टर क्रॉकर हैरिस आके कोई बात बोल रहे हैं या कोई डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा चैप्टर में वो कहीं भी नहीं आए लेकिन ये कैरेक्टर चैप्टर का है आए कहीं नहीं तो वो आते हैं क्या डज मिस्टर क्रॉकर हैरिस कम टू द स्कूल इन द प्ले स्कूल में आते हैं क्या नहीं आते तो यस फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए वो आते हैं नहीं वो नहीं आते आखिरी में चला ही जाता है कौन टैप्लो उसकी वाइफ भेज देती है नो no. यस yes. ये एक सही ऑप्शन है कि वो आते ही नहीं है ऐसा बताया गया है कि वो आने वाले हैं या उनके बारे में बातचीत हुई है लेकिन वो खुद एक बार भी नहीं आए मे बी मे बी नहीं चलती दुनिया आपको क्लियर करेक्ट आंसर होना चाहिए आप कंफ्यूज आंसर नहीं दे सकते नन ऑफ दी अबव नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमें हमा, हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर बी नो पूरे प्ले में स्कूल में आते हुए नहीं दिखे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ओके नेक्स्ट हैरिस ये मिस्टर क्रॉकर आर एस है कौन तो ऑप्शन हैं पेरेंट स्कूल में कोई पेरेंट आया है वो पेरेंट है क्या नो मैथ्स टीचर है मिडिल no. एज तो के स्कूल मास्टर हैं तो यस बिल्कुल क्लियरली है आपके चैप्टर में कि मिडिल हैं वो नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट हु इज फ्रैंक प्ले में एक और कैरेक्टर है फ्रैंक तो ये फ्रैंक कौन है तो ऑप्शन है ए प्रिंसिपल क्या वो स्कूल के प्रिंसिपल है नहीं हिस्ट्री टीचर क्या वो स्कूल के हिस्ट्री टीचर हैं तो नहीं स्कूल के हिस्ट्री टीचर भी नहीं है सी साइंस टीचर यस वो साइंस टीचर है स्कूल के जो कि चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली मैंशनड है या डी स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट है नहीं स्टूडेंट फ्रैंक नहीं थे बल्कि स्टूडेंट कौन था टैपलोथ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन फ्रेंक स्कूल के साइंस टीचर थे नेक्स्ट वेयर वॉज मिस्टर क्रॉकर हारिस मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहां थे अब सीन में कहीं पे आते हुए तो वो दिखे नहीं सिर्फ उनके बारे में बातचीत होते हुए दिखाई दी और टैपलो उनका काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि मैंने एक्स्ट्रा काम कर लिया है कब मिस्टर क्रॉकर हैरिस आएंगे और मैं उनको दिखाऊंगा तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहाँ थे तो ऑप्शन है इन स्कूल वो स्कूल में ही थे अगर स्कूल में होते तो वो आ जाते प्ले में हमको डायलॉग डिलीवरी करते हुए दिखते तो ऐसा कुछ नहीं था स्टाफ रूम में थे स्कूल के नहीं वो स्टाफ रूम में भी नहीं थे एट होम वो अपने घर पे बैठे हुए थे और स्कूल में टापलो को कुछ काम दे दिया था तो नहीं ऐसा भी नहीं था एट द बर्सर्स अब ये बर्सर्स कौन होते है हैं तो बर्सर्स वो इंसान होता है जो किसी भी स्कूल का या किसी भी कॉलेज का फाइनेंशियल मैटर्स देखता है यानी कि कितनी फीस आई कितनी सैलरी देनी है टीचर्स को जितना भी फाइनेंस रिलेटेड रिलेटेड जितना भी मनी रिलेटेड जो सारी डिसीजनस होते हैं जो चीज़ें होती हैं वो कौन देखता है वो बर्सर्स नाम का ये इंसान देखता है उसे बर्सर्स कहते हैं तो यहीं पर गए थे मिस्टर क्रॉकर हैरिस और उनसे कुछ मीटिंग कर रहे थे और इसीलिए वो आने में लेट हो गए थे तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहाँ थे ही वॉज एट द बर्सर्स सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन जो है है। है वो Mr. Harris की वाइफ अब बहुत देर से वेट कर रहा होता हैरिस का लेकिन वो आते नहीं है और उनकी जगह उनकी वाइफ आ जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड इतनी देर क्यों वेट कर रहे हो जाओ तुम चले जाओ अपना घर तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है उनसे मैं ऐसे नहीं जा सकता तो मिली मिली कहती है उनसे कि चलो ठीक है मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है यानी डॉक्टर से दिया गया एक पर्चा है जिसमें उनकी कुछ दवाइयाँ लिखी हैं तुम केमिस्ट के पास चले जाओ यानी दवाई वाले के पास चले जाओ और उनकी दवाइयाँ ले आओ अगर बाई चांस तुम्हारे पीछे वो आ जाएंगे तो मैं उनको बोल दूंगी कि वो आप ही की दवाई लेने गए हैं तो वो गुस्सा नहीं होंगे तो ये चीज़ मिली क्रॉकर हैरिस बोलती है टैपलो से उनके एबसेंस में जब उनके हस्बैंड नहीं होते तो ऑप्शन है टू गो टू केमिस्ट टू गेट हर प्रिस्क्रिप्शन फाइल फिल्ड यस चीज बोली थी उसने टू गो टू होम उसने बोला था घर चले जाओ नहीं टू प्ले गोल्फ बोला था जाओ बाहर जाके गोल्फ खेलो तो ऐसा भी कुछ नहीं था टू वेट बोला था वेट करो तो वेट तो ऑलरेडी टाप लोग कर ही रहा था ना और वेट करने के लिए थोड़ी बोलेगी वो सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट डज रिमूव मीन इन द चैप्टर चैप्टर में एक ये वर्ड रिमूव बहुत बार यूज हुआ है तो इसका चैप्टर में मीनिंग क्या है अब रिमूव का मतलब बेसिकली होता है कोई चीज़ को रिमूव कर देना यानी हटा देना या ना अलग कर देना किसी चीज़ से लेकिन इस चैप्टर में रिमूव का मतलब होता है जैसे ब्रिटिश स्कूल में लोगों को क्या मिलती है आगे की डिस्टिंक्शन मिलती है या आगे पास होने का जो सर्टिफिकेट मिलता है उससे हम कहते हैं रिमूव तो अगर वहाँ पे बच्चे स्कूल्स में बोलते हैं मुझे रिमूव मिल गया यानी कि मुझे आगे नेक्स्ट क्लास में जाने की वो मिल गई मुझे परमिशन मिल गई एक तरीके से यानी कि मुझे पास हो गया मैं रिमूव हो गया यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैं प्रमोट हो गया तो रिमूव होना बेसिकली प्रमोशन होना अगली क्लास में या कोई डिस्टि या कोई डिस्टिंगशन मिलना ये होता है ओके सो ऑप्शन है टू सेपरेट समथिंग दो चीज़ों को सेपरेट कर देना उससे बोलते हैं रिमूव नो हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है क्योंकि टेक अवे समथिंग कि किसी चीज़ से कोई चीज़ ले लेना तो नहीं ये भी नहीं होता यहाँ पे रिमूव का मीनिंग डिजन इन ब्रिटिश स्कूल्स, ब्रिटिश स्कूल्स की एक है, यानी कि प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोशन मिल गया तो yes, ये नेक्स्ट वेन डिड मिस क्रॉकर हेरिस एंटर द क्लासरूम मिसिस क्रॉकर हेरिस जो है वो क्लासरूम में कब एंटर करती है तो जब फ्रेंक और टैप्लो दोनों आपस में

नो no. दोनों बात कर रहे थे वहां पे फ्रैंक एंड टैपलो वेल नोबडी वॉज देर इन क्लास रूम जब क्लासरूम कोई नहीं था तब मिली क्रॉकर आई थी क्या नो नॉट इन द स्टोरी स्टोरी में ही नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है स्टोरी में बिल्कुल मेंशन है कि जब टैपलो एंड फ्रैंक वर डिस्कसिंग अबाउट मिस्टर आर एस तभी एंटर होती है मिली क्रॉकर हारेस तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ डू यू डिस्क्राइब मिली क्रॉकर हैरिस आप मिली क्रॉकर हैरिस को कैसे डिस्क्राइब करते हो किस क्या डिस्क्रिप्शन बताई गई है उनकी वाइफ की इस चैप्टर में तो ऑप्शन है थिन वुमन पतली सी वुमन थी यस लेट थर्टीज यानी लेट थर्टीज अराउंड थर्टी एट थर्टी नाइन थर्टी सेवन ईयर्स की थी वो लेट थर्टीज की एज में थी यस yes. बिल्कुल ऐसा मैंशनड है स्मार्टली ड्रेस्ड वो बहुत स्मार्टली ड्रेस होके रहती थी हमेशा पूरे स्कूल में तो येस ये भी बिल्कुल बताया गया तो बेसिकली ऑल ऑफ दी अबव जो है हमारा बिल्कुल राइट right ऑप्शन है मिली क्रॉकर हैरिस के डिस्क्रिप्शन के लिए सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सो चिल्ड्रन वी कम टू दी एंड ऑफ दिस सेशन आई होप आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो आप गूगल पे जाइए हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज मैगनेट ब्रीन डॉट कॉम जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपके सामने खुल जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश के वीडियोज देखने जो कि सेपरेटली मैंशन है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के लिए तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हॉर्नबिल के वीडियोज देखने तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोज आ जाएंगी जो हमने आपके लिए रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करके रखी है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पे इजीली वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो इजीली आप वेबसाइट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं एंड डू नॉट फोगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आर YouTube चैनल तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर